नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 22 मई शुक्रवार दोपहर 12:15 बीकानेर, चूरू और जोधपुर की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बीच राहत की खबर है कि आज सुबह के आंकड़े कल की तुलना में कम है। प्रदेश में आज शुक्रवार को 54 रोगी मिले हैं और कोटा में सर्वाधिक 17 पॉजिटिव रोगी मिले हैं। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर और दौसा से एक एक, अजमेर से 2, झुंझुनू से 6, जयपुर से 13, डूंगरपुर से 14 और कोटा से 17 पॉजिटिव रोगी मिले हैं। इसी के साथ प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 6,281 हो गया है। बीकानेर सरकारी नौकरी करने वालों के परिवार का बीपीएल राशन कार्ड बनाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और मनरेगा जॉब कार्ड के नियमित लाभ उठाने का मामला सामने आया है। लूनकरनसर तहसील के जामसर क्षेत्र में ऐसे मामलों की शिकायत ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से की है। गांव के इमरान ने कलेक्टर को दी शिकायत में बताया कि गांव जलालसर और जामसर में कुछ लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। गांव के जीवन शाह ने बीपीएल कार्ड बना रखा है जबकि वह रोडवेज में कार्यरत है। उनकी पत्नी के नाम से भी अलग राशन कार्ड बना हुआ है। इस मामले में कलेक्टर ने जाँच के आदेश दिए हैं। बीकानेर शहर में सामुदायिक संक्रमण फैलने की आशंका से स्वास्थ्य विभाग डरा हुआ है। नतीजन हर दिन 70 से 80 लोगों को पीबीएम अस्पताल भेज रहा है। पीबीएम अस्पताल में सुनारो की ग्वार सहित अन्य क्षेत्रों से करीब 125 लोगों को पीबीएम अस्पताल भेज दिया, जिससे वहां व्यवस्था गड़बड़ा गई। हालात यह रही कि वहां लोगों को रखने, खाने पीने और जांच की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया। व्यवस्था बनाने के लिए अतिरिक्त चिकित्सक एवं क्रामिकों को लगाया। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक करीब 125 लोगों को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया। बीकानेर जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने कोलायत उपखंड क्षेत्र में टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने होम क्वारंटाइन लोगों की स्थिति भी देखी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी खेतों में टिड्डियों ने नुकसान पहुंचाया है, उसके आकलन के लिए जल्द गिरदावरी की जाए और रिपोर्ट भिजवाएं। जिला कलेक्टर ने हाडला भाटियान ग्राम पंचायत में निरीक्षण के दौरान कार्यालय में अनुपस्थित होने तथा ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड भी सही ढंग से संधारित नहीं करने पर ग्राम विकास अधिकारी बजरंग सिंह शिकावत को निलंबित कर दिया। उन्होंने मनरेगा के कार्य तुरंत शुरू करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। चूरू जिले के सुजानगढ़ राजा जी की कोठी के पीछे मोहल्ले में एक 35 वर्षीय महिला ने मकान में आत्महत्या कर ली। महिला का पीहर लाडनू बताया जा रहा है। पुलिस उप निरीक्षक दिलीप सिंह मौके पर पहुंचे। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। थाना अधिकारी मनोज कुमार चौधरी ने बताया कि शहनाज ने आत्महत्या की है, जिसका शव सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतका का शव पीहरजनों के आने के बाद उतारा गया। इस संबंध में अभी तक थाने में मामला दर्ज नहीं किया गया है। चूरू की पूनिया कॉलोनी से चोरी हुए ट्रैक्टर को सदर पुलिस ने 8 घंटे के भीतर सरदार शहर से बरामद कर आरोपी पंडरेऊ टीबा निवासी प्रमोद उर्फ परवीन जाट को गिरफ्तार कर लिया। छात्र के खिलाफ थानों में पोक्सो, धोखाधड़ी व चोरी के मामले दर्ज हैं। चोरी के मामले में पहार भी बताया जा रहा है। सदर पुलिस ने बताया कि घांगू निवासी संदीप जाट ट्रैक्टर ट्राली लेकर आया था। ट्राली के पंक्चर होने पर पूनिया कॉलोनी के पास खड़ा करके चला गया। वापस लौटा तो ट्रैक्टर नहीं मिलने पर उसके होश उड़ गए। सदर पुलिस की ओर से साइबर कर्मियों व मुखबिरों के जरिए सूचना एकत्र की गई। इस पर आरोपी प्रमोद को सरदार शहर से ट्रैक्टर के साथ दबोच लिया गया। चूरू जिले की सरदार शहर पुलिस ने 60 किलो अवैध डोडा पोस्त के साथ 2 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान मेगा हाईवे पर रतनगढ़ की ओर से आ रहे ट्रक की तलाशी ली तो उसमें आलुओं के कट्टों के नीचे 3 कट्टों में 60 किलो 300 ग्राम अवैध डोडा पोस्त छिपा रखा था। पुलिस ने अवैध डोडा पोस्त को जब्त कर तरन तारण जिले के जनैक निवासी ट्रक चालक ऋषपाल सिंह जट सिंह व परिचालक बटरा निवासी पलविंदर सिंह जट सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर जिला प्रभारी सचिव व प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन भीतरी शहर के कर्फ्यूग्रस्त इलाके में पैदल घूमे। नागौरी गेट से सोसी गेट क्षेत्र का 1.5 घंटे तक पैदल दौरा किया। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, पुलिस आयुक्त प्रफुल्ल कुमार व DCP धर्मेंद्र सिंह भी साथ थे। उन्होंने मोहल्ले के लोगों से बातचीत की। उन्होंने लोगों से दवाइयों व आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कोविड-19 के एक्टिव केसेस में अब तक डिस्चार्ज की जानकारी ली। जोधपुर के पावटा बस स्टैंड सर्किल के निकट स्थित बस स्टैंड से गजोधपुर डिपो की 6 बसों को 172 यात्रियों को मध्य प्रदेश के मंदसौर के लिए रवाना किया गया। यह सभी लोग शहर में मजदूरी आदि का काम करते थे। घर जाने की खुशी से कई जने तो सुबह जल्दी ही बस स्टैंड पहुंच गए।
मेडिकल टीम देरी से आने के बाद स्क्रीनिंग में देरी हुई। जोधपुर के कोड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 9 में मकान के बाहर खाने का सामान मांगने के दौरान तेज रफ्तार में लापरवाही से आई एक मोटरसाइकिल की चपेट से मासूम बालिका की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मूलतः मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारनपुर हाल KBHB सेक्टर 8 की झुग्गी झोंपड़ी निवासी राजमाया पल्ली सुखराम आदिवासी दोपहर में अपने 4 वर्षीय पुत्री कला उर्फ कलावती के साथ खाने के सामान मांगने के लिए बस्ती में जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार व लापरवाही से आए मोटरसाइकिल ने बालिका को चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।